हाँ बोलो, उसमें कौन कौन से डाउट्स थे ना, आराम से बताओ। जो तुमने बायोटेक किया, बायोटेक का फर्स्ट जो चैप्टर था यानी कि प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, उसमें कोई इश्यू है, कोई डाउट है कोई टॉपिक में तो बोलो, मेरे वैसे नहीं होना चाहिए, वो पूरा डिटेल से तुम लोगों ने किया है। तो बायोटेक का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, वो तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। पूरा मैंने डिटेल से सारा चीज बता दिया था, डिटेल लेक्चर भी दे दिए हैं। मैंने बोला था लास्ट वाले टॉपिक को अच्छे से करना, क्लोनिंग वेक्टर का, खास करके ब्लू वाइट सिलेक्शन, इंसर्शन इन एक्टिवेशन, वो वाला अच्छे से करना था, तो हो जाएगा। बाकी तो आसान है, क्लोनिंग वेक्टर किसे कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी, वो तो आसान है। सेकेंड चैप्टर अप्लीकेशन वाला है, अप्लीकेशन वाला है ना, तो उसे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि आसान सा चैप्टर, वो बहुत ज्यादा रटने वाला नहीं है, एप्लीकेशन वाला। फिर बचे तुम्हें इकोलॉजी के दो चैप्टर, तो एक तो इकोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो लगभग हमने कर लिया, मेन उसमें थे जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स वाला ना, कि पॉपुलेशन का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो पिरामिड कैसे बनेंगे, फिर जो आपका ग्राफ था वो वाला इंपॉर्टेंट है, फिर प्रीडेशन, कॉमनसेलिज्म, ये सब साइन वाइन अच्छे से कर लिया, चलो रेगुलेटर एक बार कंफर्म बचा आसान। एट्रीब्यूट का मीनिंग बता दो। एट्रीब्यूट्स मतलब उसकी, एक तो जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, उसका कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी का मतलब हो गया एट्रीब्यूट्स। सेकेंड जो है वो डायवर्सिटी वाला है, ये थोड़ा डेटा बेस्ड है, थोड़ा याद करने में मुश्किल हो लेकिन आसान है, अगर डेटा को हटा दे, बहुत सारे डेटा वेटा है इसमें, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, कि हमारे अर्थ पे इतने सारे स्पीसीज है, इतना डाइवर्स है, तो उससे फायदा क्या है। तुम बोलोगे सर एनिमल के इतने सारे स्पीसीज है जंगल में, तो हमें कोई फायदा है क्या ना, तो हम तो अगर मर रहा है तो हमें मरने दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो यही लिखा है कि डाइवर्सिटी से कोई फायदा है ना, अगर हमें फायदा नहीं भी है तो ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल है, यानी कि एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उस जंगल को हम लोग बचाए, उस एनिमल्स को बचाए, उस प्लांट्स को हम लोग बचाए। जैसे तुलसी है, कई सारे प्लांट के लोग पूजा करते हैं, उनका एक धार्मिक लगाव है ना, तो जाहिर सी बात है ऐसे जंगलों से भी लोग को, ट्राइबल्स लोगों का एक लगाव होता है, ठीक है, इसलिए हम लोगों को बचाना चाहिए, बदले में हमें कुछ फायदे भी मिलते हैं, बहुत सारे फायदे हमें जंगल से मिलते हैं। तो सर हम बचाएंगे कैसे, अगर जंगल कटेगा तो प्लांट का लॉस होगा, एनिमल के लॉस होंगे, तो सर हमें बचाएंगे कैसे, हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व ना, जो आप पढ़ोगे हॉटस्पॉट ना, बायोस्फीयर एक सफारी पार्क, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट आया है, कुछ इन सीटू कंजर्वेशन की बातें की, इस पे हम लोग डिटेल से बातें करेंगे डायवर्सिटी वाले ना। इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आप लोग कर लीजिएगा, मेन सारे इंपॉर्टेंट सिखा दिया, डायवर्सिटी करा दूंगा। चलिए तो एक बायो अप्लीकेशन वाला देख लेते फटाफट, मैंने पिछले बैच में भी अप्लीकेशन वाला सभी को आसानी से बताया, तुम लोगों को भी करा देता हूँ। देखिए जो एप्लीकेशन वाला बायोटेक का एप्लीकेशन क्या क्या है, यानी एप्लीकेशन मतलब अच्छा फायदे, हम जो बायोटेक का इतना सारे प्रोसेस करते हैं उससे हमें कोई बेनिफिट है, कोई फायदा है ना, इसी को कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब बेनिफिट। तो आपके एनसीईआरटी में जब देखिएगा तो बायोटेक के कई सारे फायदे हैं अलग अलग फील्ड में ना, अलग अलग फील्ड में, जैसे तुम देखोगे कि एग्रीकल्चरल फील्ड में ना, एग्रीकल्चर बच्चा मतलब खेती वाले फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारे फायदे। सर कैसे, देखिए आपके एनसीईआरटी में एग्रीकल्चरल फील्ड, तो एग्रीकल्चरल फील्ड में एनसीईआरटी में यहाँ पर तीन बातें लिखी गई है, जो तीन आपको डिटेल से पढ़ना है। पहला है जहां पर आप बीटी कॉटन के बारे में पढ़िएगा, सर ये क्यों बनाया गया और इसे एग्रीकल्चर फील्ड में क्या फायदा है। सोचो कोई प्लांट तुम लगाते हो, उस प्लांट पे इंसेक्ट्स अटैक करता है, इंसेक्ट्स नुकसान पहुंचाता है, तो तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा प्लांट है, प्लांट के ऊपर इंसेक्ट्स अटैक किया, इंसेक्ट तुम्हारे प्लांट को खा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तुम क्या करोगे। सर हम केमिकल छिड़केंगे, केमिकल छिड़कने से इंसेक्ट्स मर जाएगा, तो चलिए भाई इसका नाम क्यों गया बच्चा, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, लेकिन वो तो बड़ा महंगा केमिकल है, और दूसरी बात है वो केमिकल्स वाली चीज हमारे बॉडी के लिए भी नुकसान, आपने केमिकल तो छिड़क दिया, वो केमिकल प्लांट में चले गए, अब प्लांट को आप खाइएगा तो आपको नुकसान हो सकता है, तो हमें ऐसे चीजों से बचना चाहिए जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होंगे। इसलिए साइंटिस्ट ने एक नया तरीका लगाया कि हमने क्या किया, कुछ ऐसे जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना दिए,
ना, जिसके अंदर में कोई बाहरी ऐसे जीन डाल दिए कि प्लांट के अंदर में कुछ इंसेक्टिसाइड, कुछ यानी टॉक्सिक पॉइजन बनने लगे, इंसेक्ट खाएगा मर जाएगा। तो इस पे हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे बीटी कॉटन में, कि कैसे साइंटिस्ट ने बनाया, इससे फायदे क्या हुए, एक चीज। दूसरा एनसीईआरटी में लिखा गया है गोल्डन राइस। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक वर्ड आएगा गोल्डन राइस। सर ये गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट क्या है, सभी को मालूम है ना, हम लोग बच्चे गाजर क्यों खाते, कैरेट, क्योंकि गाजर के अंदर में कुछ बीटा कैरोटीन नाम का पिगमेंट होता है। हम खाते हैं, हमारे लीवर में जाता है, लीवर में ये बीटा कैरोटीन कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में, और विटामिन ए हमारे आंखों के लिए, जो आंख के अंदर में रोशनी वगैरह है ना, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप घर में मम्मी बोलती होगी कि भाई गाजर खाया करो। क्यों खाया करो, क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन है, खाओगे तो तुम्हारे अंदर लीवर में किसमें कन्वर्ट होगा, विटामिन ए में, और विटामिन ए से आपके आई साइट यानी आंखों की रोशनी अच्छी हो जाएगी। तो क्यों ना हम राइस के अंदर, चावल के दाने के अंदर डाल दें, तो हमने राइस यानी चावल के अंदर में वो जीन डाल दिया। कौन सा जीन, जो बीटा कैरोटीन बनाता है। अब उस चावल का कलर कैसा हो गया, थोड़ा गोल्डन कलर का, पीले रंग का हो गया, तो नाम क्या पड़ा, गोल्डन राइस। जब वो चावल आप खाइएगा तो उसके अंदर ढेर सारे बीटा कैरोटीन है, जो बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, विटामिन ए में, जिससे आपका आई साइट का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट है गोल्डन राइस बनाया गया, जिसे मैं यानी न्यूट्रिशन रिच करने के लिए हमने खाने के अंदर में न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ा दिया। चलिए इसी पे सर एक आपको बार बीटा का, एनसीईआरटी बीटा सर कौन सा, बीटा क्या नाम लिया आपने? आप बीटा कैरोटीन, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बीटा कैरोटीन, गाजर कैरोटीन होता है ना, कैरेट, कैरेट का नाम इसी से लोग पढ़ा, पिगमेंट होता है ना क्लोरोफिल, कैरोटीन, तो यही है कैरोटीन, तो ये है बीटा कैरोटीन, हालांकि लिखना नहीं है तुम्हें यहाँ। चलिए सर इसके एक बार अलावा बीटी आप, कॉटन और बता अरे दो। अभी डिटेल में जाएंगे, अभी सब डिटेल में जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट की बात की गई है ना, कुछ टोबैको प्लांट पे, अभी तो मैं इंट्रो बोल रहा हूँ, केवल ये इंट्रोडक्शन पार्ट बोल रहा हूँ। निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट यानी कि कुछ टोबैको प्लांट के ऊपर में कुछ निमेटोड अटैक करते थे। निमेटोड मालूम है कौन, वही स्कैरिस वगैरह, तुमने जो पढ़ा है एस्केलमिंथ प्लैटिहेलमिंथ पढ़ा है ना, तो वही निमेटोड किस पे अटैक करते थे, टोबैको प्लांट पे। तो उससे बचने के साइंटिस्ट ने कौन सा टेक्निक यूज किया, तो यहाँ पे एक टेक्निक आपको यूज करना है, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई कहते हैं इसी को, हम लोग कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ये टेक्निक क्या है, हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए तो ये हो गया एग्रीकल्चर फील्ड। दूसरा एनसीईआरटी ने बोला मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में कुछ काम किया गया है क्या, तो मेडिकल फील्ड में आप देखोगे तो एनसीईआरटी में लिखा गया है इंसुलिन, हुमुलिन, हमने ह्यूमन इंसुलिन बनाया, जिसका नाम क्या दिया, होमुलिन। पढ़ा होगा तुमने कि कुछ इली लीली नाम की कंपनी थी, उसने पहली बार ना हमारे अंदर के जो जीन है उसी से इंसुलिन उन्होंने बनाया, इंसान का इंसुलिन बना दिया, उसका क्या नाम दिया उन्होंने, होमुलिन। चलिए इसके अलावा मेडिकल फील्ड में, हाँ इसके अलावा मेडिकल फील्ड में एक और आप काम कीजिएगा, जीन थेरेपी पे। एक और एनसीईआरटी में काम क्या किया गया बच्चा, जीन थेरेपी, कि किसी बच्ची के अंदर में कुछ जीन्स खराब हो गए थे, याद आ रहा है आपको, कि कोई 4 साल की बच्ची थी, उसके अंदर कुछ जीन्स खराब हो गए थे, उस जीन को कैसे उन्होंने ठीक किया, इस टेक्निक को क्या कहेंगे हम लोग, जीन थेरेपी, एक टेक्निक है। फिर आपको यहाँ पे एक पढ़ना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफिकल्ट भी है थोड़ा, मॉलिकुलर डायग्नोसिस। मॉलिकुलर डायग्नोसिस सर ये क्या है, ये बीमारी को पता करने का एक टेक्निक है। देखो हम सुनते हैं लोगों को कैंसर हो गया, लोगों को एड्स हो गया, कई सारी बीमारी सुनते हैं, लेकिन बच्चे ये बीमारी कब पता चलता है, जब काफी दिन हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर में कोई सिम्टम दिख ही नहीं रहा है, लक्षण नहीं दिख रहे, वो अंदर में कैंसर तो है, उसे एड्स तो है, लेकिन उसे पता नहीं चल पा रहा, पता चलते चलते 6-7 महीने निकल गए, जब उसको खांसी बढ़ गई, उसे प्रॉब्लम होने लगा, तब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलेगा ये तो कैंसर काफी बढ़ गया, एड्स तो काफी बढ़ चुका है, अब तो लेट हो गया। अगर हम स्टार्टिंग में ही पता कर, अगर हम स्टार्टिंग में ही बीमारी को पता कर ले किसी टेक्निक से, तो हम जल्दी उसे ट्रीट कर सकते हैं, यानी अभी कैंसर इनिशियल स्टेज में ही हम उसे स्टार्टिंग में ही पता कर ले, तो जाहिर सी बात है कि हम बचे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे करेंगे, ये पूरा टेक्निक हम लोग पूरा डिटेल से एनसीईआरटी में पढ़ना है। जैसे कि आपको किसी इंसान को कोरोना वायरस पॉजिटिव है, लेकिन उसमें सिम्टम आने में, बुखार लगने में, सर्दी लगने में, ये लगने में बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है 10 दिन का टाइम लगे, लेकिन अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही, मैंने ऐसे ही रैंडम चेक किया और उसमें पता चल गया उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव है, तो उस इंसान को हम पहले ही आइसोलेट कर लेंगे, वो किसी को फैला नहीं पाएगा, नहीं तो बेटा ऐसे ही छोड़ देते।
कि चलिए भाई लक्षण देखेंगे, बुखार लगेगा ना, सर्दी होगी, खांसी होगी, तब उसका टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कोरोना पॉजिटिव है। उससे पहले ही क्यों नहीं पता कर ले, उससे पहले अगर पता कर ले, सबका टेस्टिंग कर ले तो बचा जा सकता है। तो कैसे बचते? आरटीपीसीआर पढ़ते हैं ना, कि हमने आरटीपीसीआर करते हैं, जिसे हम लोग की कोरोना वायरस का टेस्ट करते हैं। ये किसमें आता है? मोलिकुलर डायग्नोसिस। या मान लीजिए किसी बच्चा, कोई अभी बच्चा पैदा ही हुआ है, उसके अंदर कोई जीन खराब है, तो हम कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे उसके अंदर म्यूटेशन है, या किसी मम्मी पापा को म्यूटेशन बीमारी था और बच्चे में भी आ गया, कैसे पता करेंगे? तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा तरीका है, मॉलिकुलर डायग्नोसिस। इसी पे एक और एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है, बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन, सर ये क्या है? बायो रिमेडिएशन क्या है? देखिए, बायो रिमेडिएशन एक टेक्निक है, एनसीईआरटी में मिलेगा, जिसमें आप पॉल्यूटेंट को हटा सकते हो। जैसे कि सॉइल के अंदर बहुत सारे बच्चा पॉल्यूटेंट है, या ओशन में, समुद्र के अंदर बच्चा बहुत पॉल्यूटेंट है, उसे हटाना है। कैसे हटाएंगे? तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से, सबसे पहले बायो का मतलब क्या हो गया? लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इनके हेल्प से हम पॉल्यूटेंट को हटाएं, यानी पॉल्यूशन को हटाने का काम करें। तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं हम लोग? बायो रिमेडिएशन। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे हमें पढ़ना है, बायो रिमेडिएशन का टेक्निक क्या है, कि हम कैसे वो पॉल्यूटेंट को हटाएंगे। तो हम लोग कुछ यहाँ पर सुपर बग बनाएंगे, हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। इन्होंने क्या किया था, इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ओशन में, समुद्र के अंदर में पॉल्यूटेंट बढ़ गए थे, तेल वेल गिरते रहते थे ना, कोई शिप जा रहा है, जहाज जा रहा है, तेल से भरा वो टैंकर है, वो किसी तरह से फट गया, सारे तेल गिर गए समुद्र पे ही, और वो फैल जाते थे, जिससे पॉल्यूशन हो जाता था, वहां की मछलियों को नुकसान हो जाता था। तो उन्होंने कोई टेक्निक दिया कि वहां से कैसे उस पॉल्यूटेंट को, उस ऑयल को हटाया जाए, ठीक है। यानी कि कोई मिट्टी के अंदर में कुछ हेवी मेटल्स आ गए, वो नुकसान करेगा प्लांट को, तो उसे हटाने का कोई तरीका क्या है? चलिए, एक तरीका है। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक और बात की गई, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से कैसे बचाना है? बोले सर ये क्या है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस? यानी बच्चा तुमने फसल की कटाई की, काट करके रखा, और बहुत जल्दी पक रहा है, बहुत जल्दी पक गया टमाटर, काट के तोड़ करके किसान लाता है, वो मान लो बच्चा 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में पूरा पक जाता है, और बहुत जल्दी पकेगा, तब क्या होगा? मार्केट में हम बेच नहीं पाएंगे, वो तो सड़ जाएगा। तो हम कैसे बचे? हार्वेस्ट मतलब कटाई, कटाई के बाद में बहुत जल्दी फल पक रहे, सड़ने का डर है, आम तोड़ दिया तुरंत पक गए, तो भाई कैसे करें भाई ना? तो इससे बचने के लिए भी हमारे पास कुछ टेक्निक है, तो ये ही कहलाएगा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। इसी तरह से हम स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते, यानी कोई प्लांट है और बच्चा यहाँ बारिश हो नहीं रहा है, ड्रॉट, सूखा पड़ गया, अब सूखे में बिना पानी का तो प्लांट रह ही नहीं सकता, तो हम कुछ ऐसे उसके अंदर जीन डाल दें, यानी उसके अंदर कोई फॉरेन जीन डाल दे, जिसके चलते वो कम पानी में भी सरवाइव कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, कोई फॉरेन जीन डालते हैं बायोटेक में, जीन डालने से क्या हो जाएगा, उसके अंदर कुछ एबिलिटी आ जाएगी, कम पानी में सरवाइव कर जाएगा, तो इसी को कहा ड्रॉट रेजिस्टेंट। इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन ना, सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो मुझे ऐसे प्लांट ग्रो कर रहे हैं जो वहां पर हाई सॉल्ट में भी सर्वाइव कर सके, या ऐसे प्लांट ग्रो करने पर बहुत बारिश है, फ्लड है, खूब पानी से भरा हुआ है, उसके प्रेजेंस में भी प्लांट सर्वाइव करे, तो उसी को कहते हैं फ्लड रेजिस्टेंट प्लांट। तो हम लोग किसी तरह से बायोटिक स्ट्रेस या एबायोटिक मतलब पानी, ज्यादा पानी है या कम पानी है, उसमें सर्वाइव कैसे करे, या हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, प्लांट कैसे सर्वाइव करे। तो इसी को एनसीईआरटी ने कहा है कि ऐसे प्लांट बनाइए जो एबायोटिक रेजिस्टेंट हो, एबायोटिक स्ट्रेस से बच सके। चलिए, तो हम लोग कैसे बनाते हैं? एनसीईआरटी ने वर्ड एक यूज किया बच्चा, टेलर मेड प्लांट। टेलर मेड प्लांट, सर ये क्या है? टेलर मेड प्लांट क्या, ये एनसीईआरटी में लिखा गया, ध्यान से सुनना और समझना चीजों को। देखिए, टेलर क्या करता है, सोचो टेलर क्या करता है। टेलर के पास में तुमने एक व्हाइट कलर का कपड़ा दे दिया, ये व्हाइट कलर, और ये बच्चा तुमने रेड कलर का कपड़ा दे दिया, ये रेड कलर का कपड़ा दे दिया, और तुमने बोला टेलर को कि ऐसा कीजिए इन दोनों का मैचिंग, मतलब मिक्स करके नया ड्रेस बनाना है, दोनों को मिक्स करके एक नया ड्रेस बनाना है। तो टेलर क्या करेगा बोलो? आधा पार्ट रेड वाला, आधा पार्ट व्हाइट वाला, पहले काटेगा, रेड वाले को काटा, व्हाइट वाले को काटा, फिर दोनों को एक दूसरे से स्टिच कर दिया, जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, अब ये एक नया कलरफुल नया कपड़ा बन गया, व्हाइट रेड का कॉम्बिनेशन वाला एक नया कपड़ा बन गया। तो टेलर यही काम करता है ना, तो सोचो हमारे बायोटेक वाले, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले भी तो यही काम करते हैं।
वो क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर में ये डीएनए है, इस डीएनए को निकालते हैं, ये देखिए ये डीएनए को निकाल लिया, इसके अंदर से वो जीन को आइसोलेट कर लिया, काट करके ये जीन निकाला ना, मान लो कि इंसान का जीन को निकाल, इंसान का इंसुलिन जीन निकाल लिया, और इस जीन को उन्होंने कहां डाल दिया बच्चा, प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर, तो उन्होंने प्लांट के डीएनए को कट किया ना, उन्होंने हमारे डीएनए को कट किया, फिर यहाँ के डीएनए को वहां जा ले जाके जोड़ा, यहाँ के डीएनए को वहां जाकर जोड़ दिया, तो क्या हुआ बच्चा, जैसे टेलर काम करता था, यहाँ के कपड़े को काटा, उस कपड़े को काटा, दोनों को जोड़ करके एक नया कॉम्बिनेशन बनाया, वैसे ही काम तो एक तरह से बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी करता है, एक जगह का डीएनए तोड़ा, दूसरे जगह का डीएनए काटा, दोनों को जोड़ा, एक हाइब्रिड डीएनए तैयार कर दिया, तो यही जो हाइब्रिड डीएनए बनना ना, यही काम, इसीलिए एनसीईआरटी ने इसे क्या कहा बच्चा, टेलर मेड प्लांट, इसी को हम लोग कहेंगे जीएमओ क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, क्यों, देखिए हमने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकाला, दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, हमने एक ऑर्गेनिज्म से उसका डीएनए को कट किया, कट करने के बाद में उस जीन को दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया, तो दूसरे प्लांट के जीन्स क्या हो गए, मॉडिफाई हो गए, उनके अंदर बदलाव आ गया, उनके अंदर चेंजेस आ गए ना, हमने एक बीटी कॉटन बनाया, तो हमने कोई जीन क्राई नाम का काटा और कॉटन प्लांट में डाल दी, तो कॉटन प्लांट के अंदर में जो जीन्स थे वो तो चेंज हो गए, तो इसलिए कह दिया कि उनका जीन मॉडिफाई हो गया, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये जो भी है, तो पढ़ोगे गोल्डन राइस, हमने उसमें कुछ जीन ऐड कर दिए, उसका जीन मॉडिफाई हो गया, बीटी कॉटन जीन मॉडिफाई हो गया, या हम पढ़ेंगे निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट, उसमें भी हमने किया, तो ये बच्चा जीएमओ हो गया। जैसे आपने सुना होगा रोजी नाम का कॉप, किसी ने सुना है यहाँ पास, आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड है रोजी कॉप, क्या किया गया था बोलो, उसमें हमने एक गाय लिया, उसके अंदर में ह्यूमन जीन डाल दिया, हमारे अंदर में कोई जीन था अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ये एनसीईआरटी में लिखा है पढ़ोगे, हमारा जीन लिया उस कॉ के अंदर में डाल दिया, अब कॉ के अंदर में जीन चेंज हो गए, यानी उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ गया, उसके अंदर में वो ट्रांसफर मैंने कि जीन कर दिया, तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक कहेंगे, और वो जो दूध देने लगे उसके अंदर में हमारे प्रोटीन बनने लगे ना, तो आप रोजी नाम कैसे ही सीखोगे, या किसी सिप के अंदर, भेड़ के अंदर, गाय के अंदर, बकरी के अंदर तुम अपना जीन डाल दोगे, तो बकरी गाय भैंस वो कैसी हो जाएगी, वो ट्रांसजेनिक हो जाएगी, प्लांट के अंदर डाल दिया प्लांट ट्रांसजेनिक हो जाएगा, तो समझ में आ गया, टेलर मेड समझ में आया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म समझ में आ गए, ट्रांसजेनिक आपको समझ में आ गया। अब बारी बारी से हम लोग बातें करते हैं, अब हम लोग एक एक स्टेप वाइज बातें करते हैं, जैसे देखो अब सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाता हूं, सबसे आसान है होमोलिन बनाना, सबसे आसान था आपका होमोलिन बनाना, सर ये क्या है ध्यान से सुनो, ह्यूमन इंसुलिन बनाना सर कैसे बनाया गया, चीजों को ध्यान से समझ, देखिए सबसे पहली बात, आज से बच्चा 100 ईयर बैक 100 साल पहले क्या होता था, किसी इंसान को बच्चा डायबिटीज होता था, किसी इंसान को डायबिटीज होता था, बोलो डायबिटीज में क्या होता है सर, डायबिटीज के अंदर में वो उस इंसान के अंदर में इंसुलिन हार्मोन नहीं बनते, अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा तो बोलिए क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन अगर नहीं बनेगा इसी को डायबिटीज कहते हैं, तो कैसे ठीक करते थे, तो उस जमाने में क्या करते थे बच्चे, कैटल्स को लेते थे, कैटल्स गाय भैंस बकरी पिग, एनसीईआरटी में बेटा पिग कैटल्स लिखा है, कैटल्स को मारते थे, मार करके उनके पैंक्रियाज को निकालते थे, हाँ 100-200 गाय को मारा, पिग्स को मार दिया, कैटल्स को मार दिया, उसके अंदर से पैंक्रियाज को निकालते थे, फिर पैंक्रियाज को क्रश करते थे, चूर देते थे, फिर वहां से हम लोग इंसुलिन निकालते थे, फिर इंसुलिन को हम लोग प्यूरिफाई करते थे, फिर ये प्यूरिफाई करके पेशेंट के अंदर डालते थे, आई बात समझ में, लेकिन बच्चा पेशेंट के अंदर में डालने में ये सक्सेसफुल नहीं रहा, क्यों, क्योंकि बच्चा ये जो पेशेंट के अंदर तुमने डाला ये तो किसी जानवर का डाला ना, किसी एनिमल्स का इंसुलिन है ना, तो हमारे बॉडी में तो काम करेगा नहीं, हमारे बॉडी में काम करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा बॉडी सिस्टम बोलेगा ये तो फॉरेन चीज है, ये तो बाहरी चीज है, ये मेरा बॉडी का तो है नहीं, तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम बनाएगा, हमारा बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा, तो पेशेंट के अंदर क्या होने लगे बच्चा, एलर्जी क्रिएट हो गई, यानी कि वो इससे सर्वाइव मतलब उसे इंटेक नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे ना, हमारा इम्यून सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देता था, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बच्चा बायोटेक ने, बायोटेक ने क्या किया,
इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कैसे? उन्होंने ह्यूमन बीइंग का, ये इंसान का, ह्यूमन बीइंग का डीएनए लिया, इस डीएनए से उन्होंने इंसुलिन जीन कट किया, इंसुलिन जीन कट किया और उन्होंने कहां डाल दिया, बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। कहां डाला? बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन जीन कैसे जाएगा सर? तो उन्होंने एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर के अंदर इंसुलिन जीन को जोड़ा और उन्होंने यहां भेज दिया। वेक्टर क्या होता है? अरे वेक्टर मतलब प्लाज्मिड, वो भी एक डीएनए होता है। तो हमने वेक्टर के थ्रू इस डीएनए को यहां इंसुलिन जीन को भेज दिया। अब बैक्टीरिया क्या बनेगा? तेजी से डिवाइड करेगा, तेजी से डिवाइड करेगा तो हमारा इंसुलिन जीन भी अपना काम करेगा। अब ये तेजी से अपने आप को वहां मल्टीप्लाई करने लगेगा, देखिए ढेर सारी कॉपी बनने लगे, ढेर सारी कॉपी बनने लगे। तो अब बताइए हर प्लाज्मिड के अंदर में क्या है? इंसुलिन जीन है। हर प्लाज्मिड में क्या है? इंसुलिन जीन है। अब बैक्टीरिया ढेर सारे इंसुलिन हार्मोन बनाने लगा, तो यही इंसुलिन हार्मोन हम लोग यूज करेंगे। तो साइंटिस्ट ने यही टेक्निक यूज किया ना, इसी को डिटेल से करना, इसी टेक्निक को हम डिटेल से करते। तो देखिए हमारे अंदर इंसुलिन हार्मोन कौन बना? सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो, देख लो इसमें, ठीक है? अभी मैंने कुछ नहीं बताया, सब एनसीईआरटी के, सब कुछ एनसीईआरटी के। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हमें जानना है कि हमारे अंदर इंसुलिन कौन बनाता है? बोलो पैंक्रियास। आप पढ़ते हो ना पैंक्रियास के अंदर में कुछ बीटा सेल होते हैं ना, उनके अंदर इंसुलिन बनता है, ठीक है? तो जो इंसुलिन बनता है वो बच्चा पहले इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, ये भी बताया गया होगा आपको शायद। वो पहले किस फॉर्म में बनता है बच्चा? इनएक्टिव। मतलब इनएक्टिव कहने का मतलब वो प्रो इंसुलिन है, इनएक्टिव इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन, ठीक है? फिर वो बच्चा कहा जाता है कि वो लीवर में जाकर ना प्रोसेसिंग होता है, मॉडिफाई होता है और वो कन्वर्ट किस में होता है? इंसुलिन में। तब ये काम करने लायक रहता है, तब ये काम करने लायक रहता है। तो पहले कैसा है? प्रो इंसुलिन। कैसे? बोलो इनएक्टिव। फिर वो कन्वर्ट होता है एक्टिव इंसुलिन में, तब वो हमारे बॉडी के अंदर काम कर सकता है। बोले ठीक है, तो प्रो इंसुलिन और इंसुलिन में डिफरेंस क्या है? चलिए तो देखिए, प्रो इंसुलिन के अंदर तीन चेन है, प्रोटीन के यानी पॉलीपेप्टाइड के तीन चेन। एक का नाम है ए, ए चेन है। सर कितने अमीनो एसिड का है? नहीं याद रखना है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, फिर भी अगर याद करना है तो 21 अमीनो एसिड का वो चेन है, ठीक है? एक है बी चेन, एक है बी चेन। सर कितने अमीनो एसिड का? नहीं याद रखना है, फिर भी यार 30 बोल दे रहा हूं, 30 अमीनो एसिड का, ठीक? अब ये दोनों चेन आपस में जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, सल्फर सल्फर से जुड़े हैं, क्या नाम दे दिया? डाइसल्फाइड। चलिए लेकिन इसके अलावा एक और चेन होता है जिसके कहते हैं बच्चा सी पेप्टाइड, ये नीला वाला, ये क्या है? सी पेप्टाइड, सी। तो ए चेन, बी चेन और सी चेन, ए चेन, बी चेन और सी चेन। सी चेन में कितने अमीनो एसिड? तो ये बच्चा 30। तो अब मुझे बताओ टोटल अमीनो एसिड कितने? सर ए चेन में 21, बी में 30, 51 हो गए, और सी में 33, टोटल हो गए बेटा 84। लेकिन ये अभी इंसुलिन बच्चा इनएक्टिव है। सर क्यों? क्योंकि अभी इसको प्रोसेसिंग में गुजरना पड़ेगा, ये अपने आप को प्रोसेस करेगा, और जब ये प्रोसेस करेगा तो इस प्रोसेसिंग के नाम पे इस सी पेप्टाइड को बेटा हटा देंगे। देख लीजिए कट हो गया ना सी पेप्टाइड, सी चेन यानी सी पेप्टाइड हट गए। तो अब कितने चेन बचे? ए। कितने बचे? बी। आपस में जुड़े हैं, आपस में जुड़े हैं, तो ये बेटा एक्टिव इंसुलिन। तो अब मुझे बताओ एक्टिव इंसुलिन, इनएक्टिव इंसुलिन यानी प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन मतलब इनएक्टिव, एक्टिव मतलब केवल इंसुलिन। जैसे पढ़ते हो ना पेप्सिनोजेन ना, उसके बाद में एक्टिव हो जाकर के पेप्सिन बन जाता है, ट्रिप्सिनोजेन, एक्टिव होकर ट्रिप्सिन बन जाता था। तो मुझे बताओ एक्टिव इंसुलिन और इनएक्टिव इंसुलिन में किस चीज का डिफरेंस है? तो सर बड़ा आसान है, बोलो किस चीज का? सर सी पेप्टाइड नहीं होंगे। आई बात? तो कभी कभी तो यही क्वेश्चन पूछा जाए कि मुझे बताइए कि जो इनएक्टिव इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन है, और जो एक्टिव इंसुलिन है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आप बोलिए सी पेप्टाइड का, सी पेप्टाइड का डिफरेंस है, इसलिए इनएक्टिव और एक्टिव, ठीक है? अब साइंटिस्ट में यही प्रॉब्लम हो गया था, उन्होंने क्या किया इंसुलिन बनाने के लिए? ये देखिए उन्होंने ह्यूमन बीइंग का, ये देखिए ह्यूमन बीइंग, ठीक है? उन्होंने यहां से डीएनए से इंसुलिन जीन को कट किया, ये देखिए ये इंसुलिन जीन को कट किया, इन्होंने यहां से इंसुलिन जीन कट किया, डन। अब उन्होंने बच्चा वेक्टर ले लिया, वेक्टर यानी प्लाज्मिड ले लिया,
उसे उन्होंने कट किया, कट करके खोला, ठीक है, और उन्होंने इंसुलिन जीन को जोड़ दिया, बन गया बच्चा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, इंसुलिन जीन को प्लाज्मिड से जोड़ दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इसे ट्रांसफर कर दिया कहां, ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया में डाल दिया। अब बैक्टीरिया में जब डाला गया तो ध्यान से बताना, ध्यान से बताना, ये तो हमने जान लिया, अब मुझे बताओ ये कौन सा इंसुलिन बनाएगा। हमने अपना इंसुलिन जीन पूरा डाल दिया वहां, तो ये जो इंसुलिन हार्मोन बनेगा, एक्टिव बनेगा इनएक्टिव बनेगा, तो सर हमारा इनएक्टिव बनेगा ना, हमारा जब पहले जीन से क्या बनता था, एक्टिव वाला या इनएक्टिव वाला, इनएक्टिव वाले ए चेन भी होंगे, बी चेन भी होंगे और सी पेप्टाइड भी होगा, अरे इनएक्टिव वाले बनेंगे ना। पहले कौन सा बनता है, हमारा जीन एक्टिव इंसुलिन बनाता है इनएक्टिव बनाता है, सर इनएक्टिव बनाता है यानी प्रो इंसुलिन बनाता है, यानी बैक्टीरिया कौन सा बनाएगा इंसुलिन, बोलो एक्टिव इंसुलिन इनएक्टिव इंसुलिन, सर प्रो इंसुलिन बनाएगा बैक्टीरिया। अब हमने वहां से निकाल ली, लेकिन सर हमें अब पेशेंट को कैसे डालेंगे, आपने जो इंसुलिन बनाया है ये ए चेन है, ये बी चेन है और ये सी पेप्टाइड है, सर ये तो इनएक्टिव वाले हैं, इनएक्टिव वाला हमारे बॉडी में तो काम करेगा नहीं, तो सर कैसे हटाए सी पेप्टाइड को, ये बेटा सबसे बड़ा चैलेंज, ये सबसे बड़ा चैलेंज था, सी पेप्टाइड को हटाए कैसे। तुम्हें बड़ा आसान लग रहा है, सर सी को काट करके हटा दीजिए हो जाएगा, लेकिन हमारे पास टेक्निक नहीं थे, इसलिए टेक्निक फेल्योर हो गया, कि तुमने जीन लिया बैक्टीरिया के अंदर डाला और भेज दिया, बैक्टीरिया ने जो हार्मोन बनाया वो तो इनएक्टिव हार्मोन बना दी, वो तो प्रो इंसुलिन बना दिया, अब प्रो को एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करो, पेशेंट को देंगे तो पेशेंट के अंदर वो ब्लड में चला गया ना, वो थोड़ी ना पैंक्रियाज में जाएगा, वापस से लीवर में जाएगा एक्टिव होने के लिए, प्रोसेस होने के लिए, तब तो ये काम करेगा नहीं, तो सर क्या करें, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम फंस गया। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था एक अमेरिकन कंपनी ने, जिसका नाम था ईली ली, जो आपने पढ़ा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या टेक्निक यूज किया समझ में आना चाहिए। उन्होंने बोला कि देखिए इंसुलिन हार्मोन में तीन तीन पेप्टाइड चेन है, एक का नाम ए, एक का नाम बी और एक का नाम क्या है, बोलो सी, तीन चेन है ना, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम सी, एक्टिव में केवल ए और बी रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दो तरह के आर्टिफिशियली डीएनए बनाए, यानी दो तरह का जीन बनाए, एक जीन बनाया ए नाम का, जो कि ए नाम का, ध्यान से सुनना, जो ए नाम का चेन को कोड करेगा, ऐसा जीन बनाया जो केवल किसको कोड करेगा, ए नाम के चेन को। इसी तरह से उन्होंने एक और डीएनए बनाया आर्टिफिशियली, जो कौन सा कोड करेगा, बी नाम के चेन को, बी नाम के चेन को चेन करेगा भाई। तो उन्होंने दो डीएनए बनाए, एक ए और एक बी, ए कोड किसको करेगा, ए चेन को, ए किसको कोड करेगा, बी को, सी पे बात नहीं करना है। अब क्या किया उन्होंने, अब वेक्टर लिया, वेक्टर को कट किया और कट करने के बाद में उन्होंने इस ए चेन बनाने वाले डीएनए को जोड़ दिया, ए चेन बनाने वाले डीएनए को जोड़ दिया। इसी तरह से उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, हमने इधर से एक दूसरा प्लाज्मिड लिया, दूसरा प्लाज्मिड लिया, उसको कट किया और यहां पर बी चेन बनाने वाले डीएनए को जोड़ दिया, बन गए, एक में ए चेन बनाने वाले डीएनए को, एक में बी चेन बनाने वाले डीएनए को जोड़ दिया। अब उन्होंने इसे कहां डाल दिया, ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया में, किसके अंदर डाला, बोलो ई कोलाई में। अब जैसे ही मैंने डाला, जैसे ही मैंने डाल दिया, जैसे ही मैंने डाला, तो बोलो क्या होगा, इधर से कौन सा चेन बनेगा तुम बताना, और इधर से कौन सा चेन बनाना। चलिए अब मुझे आराम से बताइए, ये कौन सा चेन बनाएगा, तो सर ये बनेगा ए चेन, ये कौन सा चेन बनेगा, ए, क्योंकि ए वाला हमने जीन डाला। इधर से कौन सा चेन बनेगा, सर बी बनेंगे। क्या सी पेप्टाइड बनेंगे, नहीं बनेंगे। अब हम यहां से ए वाले चेन को कलेक्ट कर लें, इधर से बी चेन को कलेक्ट कर लें, ए को कलेक्ट करे, बी को कलेक्ट करे, आपस में जोड़ दें, आपस में दोनों जुड़ गए, ए और बी चेन जुड़ गए, क्या हमने डायरेक्टली एक्टिव इंसुलिन बना लिया, हाँ ये काम करेगा, हाँ ये काम करेगा। अब इसी इंसुलिन को अब आराम से निकालिए, प्रोसेसिंग कीजिए और उसी को आप बच्चा पेशेंट पे अप्लाई कीजिए। इसी इंसुलिन को हमने नाम क्या दिया, होमोलिन। आ गई बात समझ में, चलो बताओ किसे किसे समझ में आया है टेक्निक, आ गई बात, देख लीजिए एनसीईआरटी में मैं आपको पढ़ के सिखा देता हूं। देखिए आप जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो यहां पर आपको ये वाला देगा, देखिए एक एक वर्ड समझना है, एनसीईआरटी में ही सारा चीज मेंशन है।
इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वर अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग, यानी कि पहले के जमाने में अर्लियर टाइम जिस लोगों को डायबिटीज होता था तो उनको इंसुलिन कहां से दिया जाता था, बाय द स्लॉटिंग, स्लॉटिंग मतलब मार करके, काट करके, किसको, पिग एंड कैटल्स को. इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स डॉग कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन. तो कुछ लोग तो इसे एक्सेप्ट कर लेते थे लेकिन कुछ पेशेंट को इसे एलर्जी क्रिएट होता था क्योंकि ये बाहरी फॉरेन पार्टिकल है, बाहरी चीज है, तो उनका इम्यून सिस्टम इसे अलाउ नहीं करता था. अब सेकेंड लिखा है इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड, दो चेन है, एक चेन है 21 का, बी चेन है 30 के, तो कितने हो गए भाई 51, और एक है ए चेन एंड बी चेन दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज. कितने डाइसल्फाइड ब्रिज है बेटा, दो, दो जगह डाइसल्फाइड है. अगर आप देखिएगा फिगर में तो आपको देखिए यहाँ पास आपको दो डाइसल्फाइड भी दिख रहा है, ए चेन में भी आपस में भी डाइसल्फाइड है लेकिन ए और बी को जोड़ने के लिए डाइसल्फाइड दे रखे. चलिए अब हम लोग पढ़ते आगे. अब एनसीईआरटी में लिखा है दैट लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज. इन मैमल्स हमारे अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रोइंसुलिन. जब हमारा पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ना, प्रोइंसुलिन. जैसे पेप्सिन एंजाइम जो बनते हैं वो बच्चा पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रहते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम रहते हैं वो ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में रहते हैं. तो जो भी एंजाइम बनते हैं, कोई भी हार्मोन रहता है, वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में ही रहते हैं. ठीक है, अब इसे प्रोसेस करना है. इट बिकम्स इट फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन विच कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड. अब सी पेप्टाइड को यानी सी चेन को हटा दीजिए तो एक्टिव हो जाएंगे. दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन. सी पेप्टाइड को मैच्योर इंसुलिन में क्या होगा, एब्सेंट. द मेन चैलेंज, अब मेन चैलेंज क्या था, चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी. भाई डीएनए को काटो, वेक्टर में जोड़ो, बैक्टीरिया में डाल दो, बैक्टीरिया से हार्मोन बनाओ. इसमें सबसे मेन चैलेंज क्या रहा था, प्रॉब्लम क्या रहा था, वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू द मैच्योर फॉर्म. हमने जो जीन डाला उससे तो प्रो इंसुलिन बना, उसे हम एक्टिव इंसुलिन में कैसे कन्वर्ट करें, यह सबसे बड़ा मेन चैलेंज आने वाला था. इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया इन 1983 में. इली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी. इन 1983 इली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर टू डीएनए सीक्वेंस. उन्होंने दो डीएनए का सीक्वेंस बनाया यानी दो जीन्स बनाए करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन, एक ए चेन के लिए एक बी चेन के लिए, ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इनटू प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई. उन्होंने इकोलाई के प्लाज्मिड में से डाल दिया ना, एक में डाला ए चेन का, एक में डाला बी चेन का. प्रोड्यूस इंसुलिन चेन, चेन ए एंड बी वेयर प्रोड्यूस सेपरेटली. ए चेन अलग जगह बने, बी चेन अलग जगह बने, दोनों को निकाला सेपरेटली एंड एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन. उन्होंने ए चेन को निकाला, बी चेन को निकाला, दोनों को जोड़ दिया और ये एक्टिव इंसुलिन में कन्वर्ट हो गए. तो ये टेक्निक आप सभी को समझ में आ गया, फटाफट बोलो. यस सर. ठीक है, कर लोगे? यस सर. चलो हो जाएगा. सर मतलब हमारा जीन भी कैटल्स में काम कर सकता है? वो कैटल्स में डाल के करेगी क्या, क्या करेगी, कैटल्स के अंदर तुम अपना जीन कर सकता है, कर सकता है ना. जब कैटल्स वाला तुम्हारे अंदर काम कर सकता है तो तुम्हारा वाला जीन वहां भी काम कर सकते हैं. लेकिन वो एनिमल्स है, उनके अंदर में बॉडी की बनावट अलग है, तुम्हारी बॉडी की बनावट अलग है, तो जरूरी नहीं कि उनका इम्यून सिस्टम, उनका बॉडी सिस्टम तुम्हारे वाले इंसुलिन को ना क्या करे भाई, उसको अपने अंदर में इंटेक कर सके, रिस्पॉन्स कर सके. चलिए अब हम लोग सेकंड पढ़ ले, कौन सा पेप्टाइड बता दो. अरे सी पेप्टाइड क्या है, सी मैंने क्या बोला था, अरे पेप्टाइड मतलब एमिनो एसिड का चेन, प्रोटीन को पेप्टाइड कहते हैं ना. तो ये ए प्रोटीन का चेन, ये बी प्रोटीन के चेन और ये सी प्रोटीन के चेन, इसी को उन्होंने कह दिया प्रोटीन के जगह पेप्टाइड बोल दिया, यही सी पेप्टाइड, सी चेन ना. एमिनो एसिड के चेन को प्रोटीन कहते हैं, तो ए नाम का प्रोटीन का चेन, बी नाम का प्रोटीन का चेन, सी. आ गई बात समझ में? यस. चलो अब हम लोग सेकेंड एक देख लेते हैं जो कि ये भी समझा देता हूँ फटाफट, जीन थेरेपी पे.
ठीक है, फिर आगे चलेंगे। तो जीन थेरेपी वाले में आपको क्या क्या याद रखना है, मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया होगा, फिर भी मैं फटाफट एक बार बता दे रहा हूं। जीन थेरेपी, ध्यान से, जीन थेरेपी के केस में करना क्या है कि आपको याद रखना है कि एक बच्ची थी 4 साल की, जिसे ना पहले क्या क्या आएगा, 4 ईयर ओल्ड गर्ल, जिसे बाई बर्थ बचपन से उसका इम्यून सिस्टम वीक था। सर क्यों? उसके अंदर में जो बी लिम्फोसाइट बनते थे, उस बच्ची का जो टी लिम्फोसाइट बनता था वो वीक था, इमैच्योर था, वो ढंग से काम नहीं करता था। तो बी लिम्फोसाइट काम नहीं करेगा तो आपने पढ़ा होगा ह्यूमन डिजीज में एंटीबॉडी नहीं बनेंगे, टी लिम्फोसाइट काम नहीं करेगा तो भाई वहां पर कुछ केमिकल नहीं बनेंगे, इम्यून सिस्टम वीक रह जाएगा। सर क्यों? क्योंकि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करने में, यानी मैच्योर में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है बच्चा एडिनोसाइन डीएमिनेस। इसे आप एंजाइम भी कह सकते हो, इसे आप हार्मोन भी कह सकते हो। चलिए, तो इस बच्ची के अंदर में वो एंजाइम और जीन नहीं थे। सर क्यों? क्योंकि उसका जीन खराब था। मान लीजिए उस बच्ची के अंदर में ये उसका उस बॉडी का सेल, सेल के अंदर में ये डीएनए, इस डीएनए के अंदर में ये जीन बच्चा म्यूटेटेड है, खराब है। अगर जीन खराब है तो प्रोटीन भी खराब बनेंगे, एंजाइम भी खराब बनेगा, एंजाइम खराब बनेंगे तो जो एडिनोसाइन डीएनएस खराब बन गया तो बी सेल और टी सेल मैच्योर नहीं हो पाएगा। तो अब हम इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है क्योंकि इस बच्ची के अंदर में एडिनोसाइन डीएनएस नाम का एंजाइम या हार्मोन नहीं है, उसे कैसे क्योर करें, उसे कैसे ठीक करें। तो हमारे पास टेक्निक कौन कौन से, ध्यान से सुनना। टेक्निक नंबर वन है कि हम उस बच्ची के अंदर में अपने तुम्हारे बोन मैरो ले लें, तुम्हारा इम्यून सिस्टम ठीक है तो तुम्हारे अंदर में जो भी बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट बना रहे हैं उनको बनाने वाला बोन मैरो का कुछ स्पेशल सेल होगा, हीमोपोएटिक स्टेम सेल। तो ये मान लीजिए कि आपके बोन मैरो के सेल है, यही बी सेल टी सेल बनाते रहते हैं, तो हम इसी बोन मैरो के कुछ सेल को निकाले, तुम्हारे अंदर का बोन मैरो के सेल को निकाले क्योंकि तुम नॉर्मल हो, और इस सेल को निकाल करके इस बच्ची के बोन मैरो में डाल दे। बच्ची के बोन मैरो में अगर डाल दे तो जाहिर सी बात है बच्ची के बोन मैरो में ये वाला चला जाएगा, तो ये कैसा है, नॉर्मल है, तो इससे बी और टी लिम्फोसाइट कैसे बनेंगे, नॉर्मल बनेंगे। अगर बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट नॉर्मल बनेगा तो इम्यून सिस्टम भी क्या रहेगा, नॉर्मल रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मैंने अपना बोन मैरो के सेल निकाले और उस बच्ची के अंदर डाल दिया, उसके बोन मैरो में डाल दिया, तो प्रॉब्लम क्या है, ये तो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा बोलो। ये सर आज ना कल ये सेल तो मर जाएंगे, कितने दिनों तक काम करेंगे? सर 1 हफ्ते, 10 दिन, 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने, तब तक ही काम करेंगे ना, तब तक ही तो डिवाइड करेंगे, ये आज ना कल तो ये सेल मर जाएंगे। अब सेल मर जाएंगे तो वापस से तो इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी ये भी अच्छा हमारे पास में ऑप्शन नहीं था। साइंटिस्ट ऐसा भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चलिए, तो दूसरा क्या है सर, बच्ची के अंदर में वो एंजाइम हार्मोन की कमी है, तो क्यों ना हम बाहर से बना बनाया हुआ, बाहर से आर्टिफिशियली बना हुआ एंजाइम या हार्मोन इंजेक्ट कर दे, यानी इंजेक्शन के फॉर्म में दे दे। हम उस बच्ची के अंदर में इंजेक्शन के फॉर्म में हार्मोन डाल दे तो बच्ची का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन वो तो हमेशा लेना पड़ेगा। जैसे किसी इंसान को डायबिटीज है तो उसे तो बार बार वो इंसुलिन हार्मोन लेना पड़ेगा, क्योंकि लिया इंसुलिन हार्मोन एक बार काम हो गया फिर वो हार्मोन खत्म हो जाते हैं, वो हार्मोन खत्म हो गया फिर से लेना पड़ेगा दूसरा दिन, फिर तीसरे दिन लेना पड़ेगा। तो यही तो प्रॉब्लम था इस बच्ची के अंदर में, हमें डाल तो दिया वो हार्मोन डाल दिया, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट मैच्योर भी हो गए, लेकिन ये तो बार बार डालना पड़ेगा, तो ये तो अच्छा चीज नहीं था भाई। तो अब क्या करें सर? तो तीसरा तरीका है कि हम लोग जीन थेरेपी कराते। तीसरा क्या तरीका है बोलो? जीन थेरेपी कराते। सर जीन थेरेपी में क्या कीजिएगा बोलो? हम लोग क्या करें, उस बच्ची के अंदर से बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट निकाल लिया, हमने उनके अंदर से लिम्फोसाइट निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया, ये देखिए निकाल लिया, ठीक है, इसके अंदर वो जीन खराब, तो क्यों ना हम अच्छे वाले जीन को यहां भेज दे। तो मान लीजिए ये वाला जीन है, ये एडिनोसाइन डीएमिनेस बनाने वाला जीन है, क्या हम डायरेक्टली यहां डाल दे तो प्रॉब्लम बन हो सकता है? ठीक, हम अच्छा वाला जीन उसके सेल में डाल दे, तो सर कैसे डालिएगा, डायरेक्ट नहीं डाल सकते। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर लाया, इस वेक्टर का नाम है रेट्रोवायरस। कौन सा नाम है बोलो?
रेट्रोवायरस, इस रेट्रोवायरस के अंदर में वो हमने जीन डाल दी। सर रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए होते हैं, हाँ होते हैं आरएनए, तो देखिए उसका जेनेटिक मटेरियल कौन है, आरएनए। तुमने इस जीन का आरएनए डाल दिया, डीएनए नहीं डाला, आरएनए डाला। अब इस वायरस को तुमने अटैक करा है, तो जब वायरस अटैक करेगा तो वो क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को, अपने जेनेटिक मटेरियल को पहले आरएनए को किसमें कन्वर्ट करेगा, डीएनए में। तो आरएनए से किसमें कन्वर्ट हुआ बोलो, ये देखिए ये आरएनए था, उसके अंदर में आपने क्या डाल दिया, अपने आरएनए डाल दिया, एडेनोसिन डीएनएज वाला। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके किसमें कन्वर्ट हुआ बोलो, डीएनए में। इसलिए एनसीईआरटी ने एक टेक्निक बोला है सीडीएनए टेक्नोलॉजी, सीडीएनए टेक्नोलॉजी। सर ये क्या होता है सीडीएनए टेक्नोलॉजी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बनाना। तो उन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराया, अब ये डीएनए बन गए। अब बताओ क्या होगा, ये उस बच्ची, ये उसके लिम्फोसाइट, ये उसका डीएनए, ध्यान से सुनिए। अब क्या होगा, इस रेट्रोवायरस के अंदर एबिलिटी है कि वो तुम्हारे मेन डीएनए को काटे और अपने डीएनए को वहां जोड़ ले। तो जब वो अपने डीएनए को वहां जोड़ेगी तो साथ साथ तुम्हारा जीन भी वहां इंटर कर जाएगा। तो हमने किसी तरह से अपने जीन को उसके सेल के अंदर में, यानी लिम्फोसाइट के अंदर में इंट्रोड्यूस करा दिया। तो तुम बोलोगे सर इससे बीमारी हो जाएगा, वो आपने कोई वायरस का नाम लिया रेट्रोवायरस, तो वायरस तो बीमारी करता है रेट्रोवायरस, इससे तो बीमारी हो जाएगी। नहीं, हम इसे बच्चे कर देंगे डिसआर्म। क्या कर देंगे बोलो, डिसआर्म्ड। बोले मतलब सर डिसआर्म्ड मतलब हमने उसके अंदर में, उस वायरस के अंदर में स्पेशल डीएनए को, जीन को, आरएनए को काट दिया, उसके जेनेटिक मटेरियल में मैंने काट छाट कर दी, जिससे कि वो नुकसान ना पहुंचाए, वो हमारे अंदर डिवाइड ना करे, अपना कॉपी ना बनाए, हमें नुकसान ना पहुंचाए, हमारे डीएनए को वहां तक पहुंचा दे लेकिन वहां नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए इसे क्या कहेंगे बच्चा, डिसआर्म्ड पैथोजन, या नाम सुना होगा अपने डिसआर्म्ड पैथोजन। तो बीमारी कॉज नहीं करेगा लेकिन अपना जीन पहुंचा दे। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, अब हमारे यानी कि उसका टी लिम्फोसाइट में जीन जा चुके, अब इस लिम्फोसाइट को अब फ्लास्क के अंदर ग्रो करें, तो ये अब टी लिम्फोसाइट वाली सेल डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, मान लो 100 सेल बन गए, 100 सेल बन गए, सभी के अंदर में फॉरेन जीन, एडेनोसिन डीएनएज वाला जीन आ चुका है। अब क्या कर रहे हैं भाई, अब हमने ये वाला टी लिम्फोसाइट बच्ची के अंदर डाल दे, बच्ची के अंदर डाल दे। तो बच्ची के अंदर कैसा लिम्फोसाइट गया, नॉर्मल, जिसके अंदर एडेनोसिन डीएनएज वाला जीन था। तो बच्ची के अंदर भी क्या हो जाएगा भाई, बच्ची के अंदर इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये टी लिम्फोसाइट तुमने डाल तो दिया लेकिन ये कभी ना कभी खत्म तो हो जाएंगे, मर तो जाएंगे ना, ये क्या इमोर्टल है, ये जिंदगी भर जिंदा रहेंगे, हमेशा लाइफ टाइम के लिए जिंदा रहेंगे क्या, नहीं सर, आज ना कल 10 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद, 50 दिनों के बाद मर जाएंगे, ये लाइफ टाइम जिंदा नहीं रहेंगे, ये इमोर्टल नहीं है। सर मर जाएंगे तो फिर से इम्यून सिस्टम वीक होगा, फिर से डालना पड़ेगा। इसलिए एनसीईआरटी ने क्या वर्ड यूज किया, पीरियोडिक इन्फ्यूजन, हमें हर पीरियड में, छोटे छोटे पीरियड में उसमें डालना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि बार बार उस बच्ची के अंदर वो जीन मतलब वो लिम्फोसाइट डालना पड़ेगा, बार बार जीन थेरेपी करना पड़ेगा, ये परमानेंट उपाय नहीं था। ये कैसे उपाय थे, टेम्पररी। तो सर आपके पास कोई परमानेंट उपाय है क्या, उसके बाद आपके पास में कोई परमानेंट सॉल्यूशन है, हाँ है, एक ही सॉल्यूशन है परमानेंट करने के लिए। सर क्या, हम इम्ब्रियो के सेल को ले ले, उस बच्ची पे अब ठीक नहीं कर सकते, इस बच्ची का जो नए प्रोजेनी बनेंगे, इस बच्ची से जो नए प्रोजेनी यानी बच्चे बनेंगे उनको ठीक कर सकते हैं। सर कैसे, तो इस बच्ची के अंदर जो इम्ब्रियो बनेगा, हमने इम्ब्रियो के, ये इम्ब्रियो ले लिया, इम्ब्रियो आपको पता है ना क्या होता है, इम्ब्रियो हमने ये इम्ब्रियो ले लिया, इम्ब्रियो के सेल ले लिए, ये इम्ब्रियो ले, इम्ब्रियो के सेल को निकाले और इस सेल के अंदर में हमने वो जीन को डाला, हमने जीन थेरेपी किस स्टेज पे की, इम्ब्रियोनिक स्टेज पे, यानी इम्ब्रियो के अंदर में वो जीन को डाल दिया। अब बोलो, अब इस इम्ब्रियो को हम इम्प्लांट करा दे, इसके अंदर में कैसे जीन है, एडिनोसाइन के नॉर्मल जीन, ठीक है। अब इस इम्ब्रियो से जो बेबी पैदा होगी, इस बेबी के अंदर में कैसे जीन होंगे, नॉर्मल जीन। तो जो बेबी के अंदर में प्रॉब्लम था वो लाइफ टाइम के लिए यानी परमानेंटली सॉल्व हो सकता है। तो एक ही सॉल्यूशन है परमानेंटली करने का, आप क्या करो, उसके अंदर में वो जीन, मेरे बोन मैरो से निकाल लो,
मेरे बोन मैरो से वो नॉर्मल वाला जीन निकालो और इसके इम्ब्रियो के अंदर डालो, इम्ब्रियोस के अंदर डाल दिया तो इम्ब्रियो के अंदर नॉर्मल जीन आया, तो उससे जो ह्यूमन बेबी बनेगी उसके अंदर नॉर्मल जीन रहेंगे। अब जो चाइल्ड बनेगी पैदा होने के बाद उसमें परमानेंटली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, यही आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। आ गई बात समझ में? बोलो, यहाँ पर पूरा लिखा गया यही चीज आपके पूरे एनसीईआरटी में डिटेल से गिवन है। आई बात समझ में? यस सर। और बाकी लोग, साक्षी, वर्षा? यस सर। कर लोगे? थर्ड वाले मेथड में एक बार शॉर्ट बता दो। अरे देख लो, अब एनसीईआरटी पढ़ लो, सारा मेथड एनसीईआरटी में दे रखी। इफ ए पर्सन इज बॉर्न विथ हेरिडिटरी डिजीज, यानी ऐसी बीमारी जो खानदानी बीमारी यानी जीन की बीमारी, जीन खराब तो मेरा जीन मेरे बच्चे में, फिर उसके बच्चे में, फिर उसके बच्चे में, यही तो खानदानी होता है ना। तो मेरा जीन खराब है तो मेरे बच्चे में खराब जाएगा, फिर उसके बच्चे में, फिर उसके बच्चे में, फिर उसके बच्चे में, तो एक बार खराबी होगी तो पूरे खानदान में खराबी हो जाएगी। इसी को कहते हैं हेरिडिटरी डिजीज। कैन करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच ए डिजीज, क्या इसको ठीक किया जा सकता है? चलिए क्वेश्चन पूछे एनसीईआरटी ने, जीन थेरेपी से अटेम्प्ट टू डू दिस, जीन थेरेपी से इसे ठीक किया जा सकता है अगर हम इम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर कर दे तो कैसे? जीन थेरेपी से कलेक्शन ऑफ मेथड, ये एक मेथड है दैट अलाउज करेक्शन ऑफ ए जीन डिफेक्ट, तुम्हारे अंदर कोई जीन खराब है तो उसको जीन को हटा करके अच्छे वाले जीन को डाल दिया जाए, दैट हैव बीन डायग्नोस्ड इन ए चाइल्ड और इम्ब्रियो। अगर आप चाइल्ड में थे, बच्चे में थे, उस दौरान आपको ये बीमारी पता चली तो उसके अंदर वो जीन डाला जा सकता है। हेयर जीन आर इंसर्टेड इनटू पर्सन सेल टिश्यू टू ट्रीट ए डिजीज, जैसे मैंने उस बच्ची का कौन सा सेल ले लिया था, लिम्फोसाइट ले लिया, उसके अंदर वो जीन डाल दिया और वापस से बच्ची के अंदर डाल दिया, तो उसको बीमारी थोड़ी देर के लिए तो ठीक कर लिया, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए ठीक नहीं कर पाए। ठीक है, करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन, नॉर्मल जीन डाल दीजिए इनटू द इंडिविजुअल इम्ब्रियो और इम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन, यानी कि हमने अच्छा वाला जीन डाल दिया इम्ब्रियो में, इम्ब्रियो से जो बच्चा बनेगा, जो बच्चा बनेगा उसके बॉडी के हर सेल में नॉर्मल जीन होंगे। अब वो जो बच्ची पैदा होगी तो उसके अंदर में वो जो खराब वाले जीन है उसको हम रिप्लेस कर चुके हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो इस पे सबसे पहली बार काम किया गया 1990s। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990s टू ए 4 ईयर ओल्ड गर्ल, सबसे पहली बार ये किया गया था। कौन सा भाई, किस चीज की कमी थी? एडिनोसाइन डियामिनेस एंजाइम की कमी थी। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, जो आपके पास लिम्फोसाइट है ना, ये एंजाइम आएगा तभी लिम्फोसाइट मैच्योर होगा तो इम्यूनिटी आपकी मजबूत होगी। दिस द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसाइन डियामिनेस, हुआ क्या था, ये जीन डिलीट हो गए थे उस बच्ची के अंदर में, ये जीन डिलीट हो गया था, खराब हो गए थे, ऑफ जीन फॉर एडिनोसाइन डियामिनेस। इन सम चिल्ड्रेन एडिनोसाइन डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, कुछ बच्चे में ये बीमारी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके ठीक किया जा सकता है। मेरा बोन मैरो का सेल ले लीजिए, उसके बोन मैरो में डाल दीजिए। इन अदर, कुछ में तो ये बात बोला, इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, कुछ बच्चों में वो एंजाइम डाल दीजिए, इंजेक्शन के फॉर्म में ठीक हो सकता है। इन विच फंक्शनल एडिनोसाइन डियामिनेस इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू डालते रहिए। बट द प्रॉब्लम, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम क्या है, बट द प्रॉब्लम विद बोथ, दोनों में क्या प्रॉब्लम है, ऑफ दीज अप्रोच दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, वो हमेशा ठीक नहीं हो सकता। क्यों बोलो, वो हमेशा ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकता। रीजन सर बताओ क्यों? अरे एक बार एंजाइम डाला, एंजाइम खत्म हो गए, फिर से डालना पड़ेगा, एक महीने बाद, 10 दिन के बाद फिर से डालना पड़ेगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, वो सेल मर गए, फिर से तुम्हें डालना पड़ेगा, तो ये तो अच्छा प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। एज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी, तो तीसरा हमारे पास तरीका क्या था, जीन थेरेपी का। लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड, हमने ब्लड से लिम्फोसाइट निकाला और द पेशेंट एंड ग्रोन इन ए कल्चर, हमने उसको डिवाइड कराया कल्चर, एक सेल निकाला उसके 100 सेल बनाने कल्चर कराया आउटसाइड ऑफ द बॉडी। फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट एंड ग्रोन इन द कल्चर ए फंक्शनल एडीए, अब हम उसके अंदर में एक नॉर्मल एडिनोसाइन डियामिनेस का जीन डालेंगे, यानी डीएनए डालेंगे, इसे कहा बच्चा सीडीएनए। कैसे डालेंगे सर? रेट्रोवायरस के हेल्प से, वायरस के हेल्प से वहां पर जीन हम इंट्रोड्यूस करेंगे।
is then introduced in this lymphocyte. हमने डाल दिया, which are subsequently returned to the patient. अब वो सेल को लेंगे, 100 सेल थे, हमने सबके अंदर डाला, उनमें से कुछ सेल को लेंगे और बच्ची के अंदर डाल देंगे, ठीक है. However, as this cell are not immortal, क्या वो lifetime के लिए जिंदा रहेंगे? नहीं सर, कभी ना कभी वो सेल तो मर ही जाएगा, और मर जाएंगे तो फिर से इम्यूनिटी घट जाएगी. द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन, यानी कि उसे लगातार हमेशा पीरियड बाई पीरियड टाइम टू टाइम वो डालना पड़ेगा. और सच जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट, ऐसे लिम्फोसाइट उसे बार बार डालना पड़ेगा. However, if the gene isolate from bone marrow, अगर वो मेरे जीन से बोन मैरो से वो जीन निकाल ले, ठीक है ना, जो क्या बना रहा था एडिनोसैंडियमलेस, इंट्रोड्यूस इन द सेल एट अर्ली इम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी जायगोट से जो इम्ब्रियो बन रहा है ना उसके स्टार्टिंग में ही वो डाल दे इम्ब्रियोनिक स्टेज में, इट कुड बी परमानेंट क्योर, वो हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है. क्या बातें समझ में आ गई सर? एडी की फुल फॉर्म एडिनोसिन डेफिशिएंसी. अरे मैंने कहां बोला, यहां पे लिखा है एडीए का फुल फॉर्म लिखा है, कहां तुम रहते हो, एडिनोसाइन डियामिनेज लिखा है, एडीए एडिनोसाइन डियामिनेज. डन, समझ में आ गई है? और सर जो आपने सीडीएन ने बताया सी से, सी का मतलब बच्चा कॉपी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या कॉपी डीएनए नहीं जानना है, इनसाइड में बस याद रखना वो डीएनए जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा, आरएनए से जो डीएनए बनता है उस डीएनए को हम सी डीएनए कहते हैं, बस इतना का. सी का मतलब कॉपी याद कर लो, कॉम्प्लीमेंट्री याद कर, लेकिन एनसीआरटी ने कुछ लिखा नहीं, याद नहीं करना. चलो कर लोगे तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा एक कौन सा रहेगा बोलो, बीटी कॉटन, गोल्डन राइस और सर ये निमेटोड रेजिस्टेंट वाले. ये देखिए बीटी कॉटन वाला कहानी है, फिर एक और कौन है, पेस्ट रेजिस्टेंट आरएनए इंटरफेरेंस की कहानी है. तो मैं आज आपको सेकेंड चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट वाले पार्ट है वो आपको भेज दूंगा, एक दिन इस पर डिस्कस कर देंगे, एक दिन और लगेगा. तो ये चैप्टर आसान है, ये चैप्टर में डिफिकल्टी ये तो बहुत आसानी से हो जाता है, कहानी है, कहानी को आप सीखते जाओ हो जाएगा. और ये अच्छे से पढ़ लेना, कौन सा, मॉलिकुलर डायग्नोसिस, ठीक है ना. तो यहाँ पर मॉलिकुलर डायग्नोसिस में थोड़ा सा लगेगा, बाकी तो सब आसानी, ये सब कहानी. ट्रांसजेनिक वाला क्यों बनाते हैं, इसे फायदे क्या है ना, रोजी को क्यों बनाया गया, फिर आपको बताया जाएगा कि भाई ये सब हम लोग जो काम कर रहे हैं किसी के अंदर जीन वीन डाल रहे क्या ये अच्छा है? नहीं सर, इथिकली तो अच्छा नहीं है. किसी मंकी के अंदर, डॉग के अंदर, कैट के अंदर में हम कोई जीन डाल रहे हैं, उसका जीन चेंज हो जा रहा है ना, तो ये तो इथिकली अच्छा चीज नहीं है ना. इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जिसका काम है कि वो बेटा ये सब देखे ना कि कौन चीज अच्छे बन रहे हैं, कौन हमारे बेनिफिट के लिए है, कोई गलत यूज कर रहा है उसमें बैन लगाया जाए ना, तो इसका ये काम है, ठीक है. फिर बायो पेटेंट है, बायो पायरेसी है, ये तो बड़ा आसान सा, ये तुमने पढ़ ले भी पढ़ाओ. चलो यहां तक कर लोगे, फटाफट बोलो. यस सर. डन, समझ में आ गया? यस सर. चलो ठीक है, तो मैं शेयर कर दूंगा इसका. चलिए ठीक है, थैंक यू सर. ओके, बाय बाय.